हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आरत क्लासेस सिटी एम अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 11 साइंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर 7 है उसका पार्ट 2 लेके आए दोस्तों, लेक्चर नंबर 2। यदि आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो कृपया करके देख लीजिएगा दोस्तों। उसमें जो कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं सेंटर ऑफ मास के, ऑसम। ठीक है, अरे अरे अच्छा चला है, देख ले एक बार। चल ठीक है, लेक्चर 2 थियरी आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लेक्चर है दोस्तों। प्लीज डोंट कंपेयर इट विद जेईई नीट लेक्चर, बट आपको जेईई नीट तक पहुंचाने का जिम्मेवारी मेरा, टेंशन नहीं लेना। फिर जी नीट के लेक्चर में पढ़ लेगा। चला गया, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, फंडा फोकस मिलेगा और सम्स मिलेंगे बहुत सारे। ठीक है, चला जाइए। डिराइव फॉर्मूला फॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल। दो पार्टिकल से बने हुए सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, और बाद में हम करेंगे एन पार्टिकल हो तो, 3, 4, 5 और एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन हो तो उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है इन वन डायमेंशन ओनली। जो दोनों पार्टिकल्स पड़े हुए हैं तो यहां एन पार्टिकल वो सारे एक्स एक्सिस पे है, या तो वाई एक्सिस पे या ओनली जेड एक्सिस पे, कोई एक एक्सिस पे है, वन डायमेंशन की बात चल रही है। तो चलिए हम पहले अच्छा सा नन्ना सा मोटा सा डायग्राम बना देंगे। ओके, नन्ने मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? ये है दोस्तों ओरिजिन। ओके, ओरिजिन से थोड़ा दूर एक मास M1 रखा और उससे थोड़ा दूर, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है भैया, उसके हिसाब से देख लेना। और ओरिजिन से थोड़ा दूर एक और मास रखा, ये है M2। ठीक है, दो मास की बात की है, टू पार्टिकल्स की बात की है, तो दो मास मैंने रख दिए हैं। ठीक है, ओके, दोनों का कुछ डिस्टेंस ले लेता हूं। ओरिजिन से इसका डिस्टेंस है एक्स वन, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है इसलिए मैं एक्स वन डिस्टेंस ले रहा हूं, और ओरिजिन से इसका डिस्टेंस है एक्स टू। ठीक है दोस्तों, ये तो मैंने पूरा ड्रॉ किया, अदरवाइज ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं, वन एंड टू। ठीक है, तो ये एक्स वन और ये एक्स टू। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों क्या लिख पाएंगे हम, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लेक्चर है तो चलिए। एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर क्या लिखेंगे, मास एम वन एंड एम टू आर कैप्ट ऑन एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस एक्स वन एंड एक्स टू रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द ओरिजिन। इतना सिंपल है, लिख पाओगे आराम से? सर बिल्कुल सर, कोई इंटेंशन नहीं है। चला जा। अब दोस्तों एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में तो बहुत बढ़िया बढ़िया आपको लिखना रहता है। अब दोस्तों इन दोनों का M1 और M2 है, अपना बात हुआ था फर्स्ट लेक्चर में। मान लो यहां 10 केजी है और यहां 10 केजी है, तो सेंटर ऑफ मास कहां होना है, बीचो बीच होना है। ठीक है ना, तो M1 और M2 कुछ मासेज हैं, मान लो यहां पे ज्यादा है यहां पे कम है, यहां पे ज्यादा हुआ तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा इस तरफ होगा, यहां पे मास ज्यादा हुआ तो सेंटर ऑफ मास इस तरफ ज्यादा होगा। ठीक है कि नहीं, तो सेंटर ऑफ मास इन दोनों के बीच में कहीं होगा। तो दोस्तों मैं बोल सकता हूं सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट विच इज लोकेटेड एट द, लोकेटेड बिटवीन, नॉट मिड पॉइंट, बिटवीन समवेयर, समवेयर बिटवीन M1 एंड M2 एंड इट इज अप्रोक्सीमेट इट डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन से कोई एक डिस्टेंस पे है, जरूरी नहीं है बीचो बीच लो आप। ठीक है, तो क्या लिखे हम दोस्तों, सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट
विच इज लोकेटेड बिटवीन M1 एंड M2 एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है सर, अच्छी बात है, गुड, वेरी नाइस। ठीक है, तो दोस्तों सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हम फाइंड करने जा रहे हैं। डायरेक्टली फॉर्मूला आपको लिखना है, टेंशन नहीं लेना। ये रहा डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास xcm, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्जेक्टली वेयर इट इज लोकेटेड, सो x एंड दिस x डिस्टेंस इज ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज व्हाई xcm इज इक्वल्स टू पहले का मास पहले का डिस्टेंस प्लस दूसरे का मास दूसरे का डिस्टेंस अपॉन दोनों मास का प्लस। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर द सेंटर ऑफ मास कंसीडरेशन। सारे सम्स पर से होंगे, टेंशन लेना नहीं। ठीक है चलो, अभी इसके सवाल कराऊंगा, दो मिनट रुकना। मान लो कि आप ऐसा लिख सकते हो वेयर x1 इज व्हाट डिस्टेंस ऑफ मास m1 फ्रॉम ओरिजिन, फिर x2 के बारे में आप लिख सकते हो व्हाट इज m1 व्हाट इज m2 व्हाट इज xcm, सारा का सारा आप लिखना हो तो लिख सकते हो, देख लेना आपके हिसाब से। ठीक है, मान ले मान ले ये दोनों मास सेम होते तो, ये दोनों मास सेम होते तो एफ m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू m, देन व्हाट हैपेंड, then xcm is equals to, देख m1 भी m है m2 भी m है, m कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल सर, m और m मतलब कि 2m mm1, so finally your xcm will be 8। सर क्या बात कर रहे हो सर, क्लियर? ये दोस्त दो मिनट रुक जा, इसके समझाने दे, अभी लाइव सेट होगी। एग्जैक्टली कहां पे होगा, कहां पे होगा x1 प्लस x2 बाई 2, मतलब देखना मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको अच्छा समझ में आएगा। एक्स्ट्रा में है समझना होगा आपको, ये पहला वाला 4 मीटर दूर है, दूसरा वाला 8 मीटर दूर है, ये 4 मीटर दूर है और ये 8 मीटर दूर है और दोनों का मास सेम है 10 kg 10 kg, तो तू मुझे बता दे दोस्त कि एग्जैक्टली उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा। सर मुझे तो आपने पहले लेक्चर में समझाया था कि सेम मास हो तो बीचों बीच होता है, अब बीचों बीच का मतलब क्या, ये 4 जितना दूर है और ये 8 जितना दूर है, तो ये कहां पे होगा सेंटर ऑफ मास, 6 पे होगा कि नहीं होगा, कैसे? और अब फॉर्मूले से जाएंगे, xcm is equals to x1 plus x2 by 2, सेम मास हो उसके लिए की बात है, तो x1 4 plus 8 by 2 मतलब 6 बोला है, जो भी हो सेंटीमीटर में, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, तो नहीं समझ रहे दोस्तों, ऐसे ही एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लिखना नहीं हूं, भी साथ में सोचा हो जाएगा, ये मास 10 केजी का और ये मास 20 केजी का, सुनना आराम से, ये आया 2 मीटर दूर और ये आया लगभग 8 मीटर दूर, समझना बात को, सोचा नहीं मानना। अब बता सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, तो हमको पता है सर सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, यहां पे कहीं पे होगा 20 किलोग्राम के आजू बाजू में होगा, लेकिन उसका एग्जैक्टली फाइंड आउट कर लेते हैं। xcm is equals to m1 x1 plus m2 x2 by m1 plus m2। एक मिनट रुक जा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ हाँ कंप्लीट है कंप्लीट है, कोई इश्यू नहीं, जो करो m1 आ गया 10, x1 आ गया 2, m2 आ गया 20, x2 आ गया 8 और नीचे 30, m1 plus m2 मतलब 10 और 20 30, ये 20 और ये 160 180 बाय 3 जुबाक जुबाक xcm आया 6 मीटर पे। ओ सर सर सर, ये 2 मीटर दूर था, ये 8 मीटर दूर है, ठीक है ना, ये 2 मीटर दूर था और सेंटर ऑफ मास आया 6 मीटर दूर, तो
तो देखो उस तरफ आया कि नहीं आया, थोड़ा बिल्कुल आया सर, है ना? ठीक है, ये 2 मीटर जितना दूर है, ये 8 मीटर जितना दूर है, 8 मीटर जितना दूर है भैया, थोड़ा और दूर बनाना तो बना। अब सेंटर ऑफ मास कहां पे है? आराम से ऐसे बोल सकता हूं, देखना तो ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, 4, 5, 6, 7 और 8 मीटर। अब देख सेंटर ऑफ मास कहां पे है, 6 मीटर पे, यहां पे सेंटर ऑफ मास है। क्यों भाई यहां पे किस खुशी में सेंटर ऑफ मास है सर? तो देखो थोड़ा दूरी होगा ना सर, 20 किलो ज्यादा है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये सब दोस्तों सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा के आंसर लाना है 2-2 मिनट में। एक लॉजिक भी क्लियर करना, मैंने जो लेक्चर मन में बोला था, मास जिस तरफ ज्यादा उस तरफ सेंटर ऑफ मास खिसकेगा, ठीक है कि नहीं? ये जो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले ले, क्योंकि आगे क्लियर ही बाकी है। बहुत सारे अच्छे अच्छे सम्स लेके आ रहा हूं, बहुत अच्छे अच्छे सम्स लेके आ रहा हूं, टेंशन नहीं लेना। अब दोस्त ये हो गया 2 का, n पार्टिकल हो तो आप क्या करते? फॉर n पार्टिकल्स, फॉर n पार्टिकल्स क्या करेंगे दोस्तों? एक्स सी एम इज इक्वल्स टू m1x1, m2x2, फिर m3x3, m4x4, डैश 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 mn xn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डैश 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 m3 m4 m5 डैश 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 mn। दोस्तों सारा का सारा तामझाम मुझे पता चल रहा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 4 n तक जाएंगे हम, तो सबका सम कर दूं मैं तो mi xi आएगा, वेयर i इज 1 टू n, i 1 से n तक है। तो चलो समझाओ इसका मतलब क्या है, m1 m2 है तो सिग्मा mi कैसे? अब देखना इसका मतलब समझता हूं, mi xi का मतलब है i 1 से n तक है तो m1 x1 m2 x2 m3 x3 mn xn, और सिग्मा का मतलब होता है बीच में प्लस, तो हो गया ना, वही तो मतलब है। mi का मतलब है पहले 1 फिर 2 फिर n, सिग्मा का मतलब है प्लस, तो वो दोस्तों हम उसी सम से यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका एग्जाम में पूछे, आपको स्कूल की एग्जाम में पूछते हैं तो आप ऐसा लिख सकते हो, एक्स सी एम इज इक्वल टू सिग्मा एम आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एम आई, कुछ बुक्स में ऐसे लिखा होता है, यहाँ पे आई और एन न लिख के बोलते हैं वेयर आई इज फ्रॉम 1 to n, तो वो भी चलेगा। बोल क्लियर है? 2 मिनट स्क्रीन छोड़ ले रहे हैं, इसके समझाओ। ओके चलिए 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 टन टन टन, है ना सर? डायग्राम क्लियर है, बना रखे हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ एग्जाम में कैसे पूछते हैं आपको और क्या बनाना है। आपको ऐसा बोला गया है कि भी 5 kg masses are kept at a distance 1 meter and 5 meter respectively from the origin. Okay, find out the center of mass. Okay, no issues here. For two mass, you have to write like this. M1 is equals to M2 is equals to 5 kg. पहले तो छोड़, 2 mass ले रहे थे, तू तेरा mind clear कर पहले, तो देख दोनों same mass है, एक मीटर दूर है, एक 5 मीटर दूर है, कितना होगा? एक मीटर दूर है, एक 5 मीटर दूर है, 5 + 1 6 अपॉन 2 3 मीटर दूर आएगा। ये 1 मीटर मैंने बना रखा है, 1, 2, 3, 4 और ये 5, 1 मीटर, ये 1 मीटर दूर है, 2 मीटर, 1 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। तो ये 5 kg 5 kg दोनों का सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा? एग्जैक्टली बीचो बीच उसके, इसका बीचो बीच कौन है? ये है, मुझे तो ऐसे ही पता चल रहा है इसे, और आपको मान लो फॉर्मूला के हिसाब से फाइंड करना है तो फाइंड करो ना, सेम मास होता है तो ये दोनों डिस्टेंस का प्लस अपॉन में 2, अभी बात हुई अपनी, तो 1 + 5 = 6, 6 upon 2 = 3, तो 3 पे सेंटर ऑफ मास है, और ऐसे भी मुझे पता चल रहा है कि सेंटर ऑफ मास 3 पे आएगा। तो देख लेते हैं, x1 is equals to 1 meter, x2 is equals to 5 meter, so finally xcm is equals to, directly you can write it, so no issue for the equal masses. Okay, 1 + 5 / 2, so axiom will be at
3 meter, whatever the distance made in meter or centimeter, I don't know exactly. Whatever the unit is given to you, okay? चला जाए सर, 20-20 किलो का सेम सेम मास है, तो मुझे तो ऐसे ही पता लग गया है कि कहीं पे बीचों बीच यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होना है। तो अब की बार कमाल है सर, एक पार्टिकल रखा है ओरिजिन पे और एक पार्टिकल रखा है 6 मीटर दूर, 3 मीटर आंसर है, 3 मीटर आंसर है दोस्त। m1 m2 = 20 kg, पहले का डिस्टेंस जीरो ओरिजिन से ओरिजिन पे ही है, और x2 6 मीटर, तो xcm = x1 + x2/2, 6/2 मंजे का है 3 मीटर, दैट्स इट सर, इतना इजी है दोस्तों, कंप्लीट है। तो ये यहां से पूरा 6 दूर है, तो 3 पे क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा, कितना इजी है दोस्तों। हाँ ठीक है, चलो अब ये मुझे आ लेते हैं, 10 kg 20 kg वाले मासेस हैं, सो m1 is 10 kg, m2 is 30 kg, ऑब्वियसली वीडियो पोस्ट करके अपने आप से ट्राई कर सकते हो दोस्तों, कोई इश्यू नहीं है। सो xcm = m1 x1, दो मार्क्स लेने के लिए आपको फॉर्मूले कंप्लीट अच्छी तरह से रखने होंगे और इसे डिटेलिंग करना होगा, आपको तो ये मार्क्स मिलेगा, 10 और 2 20 30 6, और ये 40, m1 + m2 10 + 30 40, 20 हो गया और 180 हो गया, 200 हो गया अपॉन 40, मतलब 5 मीटर पे आएगा, xcm कितने पे आएगा, 5 मीटर पे आएगा। जरा देख लो क्या हालचाल हुआ, ये दोस्तों 2 मीटर है, ये 1, ये 2, 3 4, ठीक है, और ये 6 मीटर है, ठीक है ना, सब ने ले लिया, ठीक है, ओके। 5 मीटर का सेंटर ऑफ मास है दोस्तों, 5 मीटर मतलब यहां पे, ओ बाप रे सर, क्यों इस तरफ सेंटर ऑफ मास खिसक गया सर, 30 केजी है वो और ये 10 केजी है, समझ रहे इसलिए सेंटर ऑफ मास सर, वो लेक्चर ऑन कंप्लीट है कि नहीं है दोस्तों, लेक्चर ऑन में चलाया था ना मैंने, तो अभी चलाया। ये मोस्ट एम्पी क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट एम्पी, हाँ, ऑक्सीजन का एटम है, ऑक्सीजन में 2 है, ओ ओ, ठीक है, दोनों को 1 एंगस्ट्रॉम दूर रखा है, एक को ओरिजिन से और एक को 3 एंगस्ट्रॉम दूर रखा है, एंगस्ट्रॉम समझते हो ना, 10^-10 meter डिस्टेंस है ना, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10^-10 meter, ओके। तो देखिए दोस्तों, ये भी ओ है, ये भी ओ है, तो सवाल ही नहीं उठता, दोनों का मास तो सेम होगा, एक का डिस्टेंस है 1 एंगस्ट्रॉम, दूसरे का डिस्टेंस है 3 एंगस्ट्रॉम, तो सर आंसर तो आ गया ना, इक्वल मास के लिए करना क्या होता है, इक्वल मास के लिए करना क्या होता है, दोनों का जो डिस्टेंस होता है बाय 2, 1 एंगस्ट्रॉम + 3 एंगस्ट्रॉम = 4 एंगस्ट्रॉम / 2, मतलब 2 एंगस्ट्रॉम आपका आंसर है, 1 यहां पे कहीं पे होगा 2 एंगस्ट्रॉम, दिस इज योर सेंटर ऑफ मास, बाय कैलकुलेशन यू कैन गेट इट, x1 + x2/2, 1 + 3/2, 2 एंगस्ट्रॉम, इफ you want to write in the meter, so 2 × 10^-10 meter, so not an issue about that, okay, let it clear very clear, पहले बस स्क्रीनशॉट ले ले, दो दिन और टफ सम रखता हूं। चलो भैया आ जा, लेवल वाला समय दोस्तों, लेवल वाला समय, ध्यान से सुनना वो क्या बोल रहा है, 8 ग्राम और 6 ग्राम दिया है, तो और 42 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे दोनों रखे गए हैं, बोला है फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास फाइंड करो लेकिन विद रिस्पेक्ट टू 6 ग्राम। अब दोस्तों ये विद रिस्पेक्ट टू का क्या चक्कर है सर, हमने तो पहली बार पढ़ा, जिसके रिस्पेक्ट में हम सेंटर ऑफ मास फाइंड करते हैं, अभी तक आपने जितने भी सम देखे ना दोस्तों, हमने जितने भी सम देखे m1 m2, ये फिर x1 x2 है ना, हमने किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमने सेंटर ऑफ मास फाइंड किया है, ओरिजिन से कितना दूर है सेंटर ऑफ मास, हमने ये बात की थी, ठीक है, मतलब कि अब मैं ये बोल रहा हूं कि 6 ग्राम के रिस्पेक्ट में यदि मुझे सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, आपको मैं एक सवाल बताता हूं, तो ऑटोमेटिकली यू विल कम टू नो दैट व्हाट इज गोइंग ऑन, अभी आपको याद है, मान लो कि जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना होता है हमेशा उसको ओरिजिन पे रखा जाता है,
ठीक है, हमेशा उसको ओरिजिन पे रखा जाता है, तो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देख बात क्लियर कर रहा हूं मैं, दो मिनट रुक जा, यहां ये लिख के रखने के नोट्स लिखना हो तो, जिसके रिस्पेक्ट में बोला है सेंटर ऑफ मास फाइंड करने का, उसको ओरिजिन पे कंसिडर करना है। तो आ जाइए भैया, चलिए जाती हो इतना तो ठीक है, ये जुबा इसको ओरिजिन पे कंसिडर कर लिया। हाँ यहां पे लिख दो 6 ग्राम 8 ग्राम, एम तो कोई इश्यू होने वाला नहीं, ठीक है चला। और ये कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस है 42 सेंटीमीटर। अब ये दोस्तों M1 इज 6 ग्राम, M2 इज 8 ग्राम, सो फाइनली X1 इज 0 एंड X2 इज 42 सेंटीमीटर एग्जैक्टली, है ना। ये कितना दूर है, यहां से 42 सेंटीमीटर जितना दूर है। क्लियर हो रही है बातें, क्लियर हो रही है सर। सो व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू 6 ग्राम M1 X1 दिखा दो तुझे मेरा वाला डांस, ये मेरा वाला फिजिक्स बना चो। चल भाई M1 के साथ X1 0 हो गया, M2 8 है और ये 42 है, M1 प्लस M2 8 और 6 14 3 हां 14 3 तो 24 सेंटीमीटर पे दो सेंटर ऑफ मास होगा। ढूंढ दो 24 सेंटीमीटर है ना, तो यहां से 42 गया, बीचों बीच की बात करूं मैं एक्सेंट के बीच में तो 21 सेंटीमीटर होता है। लेकिन आपको पता है दोस्तों बीचों बीच तो कब होता है सेंटर ऑफ मास, जब मास इक्वल हो तो 8 ग्राम है भी नहीं है ज्यादा, तो देखो 24 पे मतलब यहां पे कहीं पे सेंटर ऑफ मास है। समझ रहा है बात को कि नहीं समझ रहा है, ये वाली बात है दोस्तों 24 सेंटीमीटर, बोल क्लियर है। ऐसे ही दोस्तों आपको मान लो आपके जो रेफरेंस बुक आप यूज करते हो उस रेफरेंस बुक में ऐसा भी दिया गया है M1 है M2 है, बोले M1 के रिस्पेक्ट में, M1 के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास फाइंड कीजिए, ठीक है। तो M1 के रिस्पेक्ट में और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। तो M1 इज इक्वल्स टू M1, M2 इज M2, एक्जेक्टली आई डोंट हैव आइडिया। इसको X1 डिस्टेंस भी ले सकते हैं, लेकिन R की बात की है ना, तो मैं X1 को इस सम के लिए R1 ले लेता हूं, कोई इशू नहीं है। R वाला मैटर कब आता है, आप वेक्टर पढ़ चुके हो दोस्तों, जब 2 डायमेंशन की बातें आती है या 3 डायमेंशन की बातें आती है तब पोजीशन वेक्टर आता है ना। लेकिन आप कोई बात नहीं, एक्स एक्सिस के लिए भी कभी कभी फॉर्मूला में आर एक्स की जगह पे आर रख सकते हो। R1 जीरो है, R2 ये इसका पोजीशन जीरो है और इसका पोजीशन R2, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास फाइंड करो विद रिस्पेक्ट टू, तो सेंटर ऑफ मास M1 प्लस M2 आराम से, कोई डबल नहीं है, XCM भी रखता तो कोई इश्यू नहीं आता, टेंशन लेना। M1 और R1 तो पूरा जीरो, M2 R2 M1 प्लस M2 RCM का ही आपका फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला है दोस्तों, रॉन्ग, समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं हम, बिल्कुल गलत है सर। R2 कितना रखना है, R रखना है R2 भाई, ये कितना दूर है इससे, R जितना दूर है। अब आ जा दोस्त, तेरा आंसर नहीं आवे तो बोलना, ऐसे आपको करना पड़ेगा, ये जीरो M2 इंटू R और M1 प्लस M2, ये आपका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू M1 और विद रिस्पेक्ट टू M1। अब विद रिस्पेक्ट टू M2 क्या होगा सेंटर ऑफ मास, जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आशा करता हूँ आपको लेक्चर मजा आया होगा, ठीक है। तो ये नया सीखने को मिला सर, जिसके रिस्पेक्ट में बात की है उसको हमको ओरिजिन पे लेना है, तो हमारा सम इजी हो जाएगा दोस्तों, कोई डर नहीं है, कोई इशू है, चलो थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, मजे करो और पढ़ते रहो, थैंक यू वेरी मच।